वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। मैं श्रद्धा शर्मा, एक वास्तु कंसल्टेंट, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो टॉपिक है ये है ब्रह्म स्थान के ऊपर। ब्रह्म स्थान मतलब किसी भी स्पेस का, किसी भी लिविंग स्पेस का, जहाँ पर चार दीवारें बनी हुई है उसका जो सेंटर है वो ब्रह्म स्थान के नाम से जाना जाता है, मिड पॉइंट। और इसको हम अगर फिजिकल बॉडी में देखें तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो नेवल पॉइंट होता है, जो नाभि होती है, हम उसको भी उस चीज से देख सकते हैं। और ये जो पॉइंट है लिविंग में और नॉन लिविंग में, ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा एनर्जीज इन पॉइंट से ही क्रिएट होती है, चाहे वो नेगेटिव में हो या फिर वो पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव आयंस हो चाहे पॉजिटिव आयंस हो, सबसे ज्यादा जो कंपन होता है वो इसी पार्ट में सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस 24 आवर्स होती रहती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आपकी क्या ईटिंग हैबिट्स है, आपकी क्या लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से ही आपकी वो एनर्जी क्रिएट होगी और आपका ह्यूमन बॉडी उसके हिसाब से काम करेगी। उसकी एज होगी, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोसेस हैं, वो उस हिसाब से होंगे। ऐसे ही किसी भी लिविंग स्पेस के अंदर जो ब्रह्म स्थान है वो बहुत ही एनर्जेटिक एक प्लेस है और जहाँ से एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी आपके पूरे स्पेस में वाइब्रेट होती हुई और वो स्प्रेड होती है। ब्रह्म स्थान को हम ब्रह्मा के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी जो थे वो क्रिएटर थे माइथोलॉजी के हिसाब से। अब अगर किसी के भी लिविंग स्पेस में ये एनर्जी कहीं से स्टक होती है, स्टेग्नेंट होती है, नेगेटिव होती है, या यहाँ की एनर्जी डेड होती है, तो बहुत सारी लाइफ में हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला इसका सिम्टम जो होता है वो आपकी इल हेल्थ, मतलब आप जो है बीमार बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी आपके घर में जो भी लोग हैं वो रहने लग जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। आपकी एज, आपका वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपके ह्यूमन रिलेशनशिप, इन सब के ऊपर बहुत वास्ट इसका इम्पैक्ट होता है। अगर यहाँ की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऊर्जा है, तो लाइफ में ऐसी सब चीज़ें आपको फेस नहीं करनी पड़ती। अब कैसे खराब होती है यहाँ की ऊर्जा और कैसे हम इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ब्रह्म स्थान के ऊपर आप एक बार ऐसे अज्यूम करके देखिए कि आपकी नाभि, आपकी नेवल के ऊपर कोई बहुत सारा भारी सामान रख दे तो आपको कितना डिसकंफर्ट फील होगा। वैसे ही ब्रह्म स्थान जो है वो लाइट होना चाहिए, वहाँ पे स्पेस एलिमेंट है, मतलब वो जो है वो फैलाव का एरिया है, वहाँ पे एयर, वहाँ पे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले के टाइम में इस स्पेस को वेकेंट रखा जाता था, खाली रखा जाता था। तो यहाँ पे कोई भी हैवी सामान, कोई भी स्टोरेज, कोई भी क्लटर, इवन कोई भी भारी सामान, कोई टेबल या कोई भी ऐसी चीज ब्रह्म स्थान के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वहां की एनर्जी दब जाती है, उसमें इतना फ्लो नहीं बन पाता। अब अगर आप एक छोटा सा, मैं टेक्निक बताऊंगी आपको, ये आप इसको रेमेडी या सॉल्यूशन की तरफ भी ले सकते हैं और ये बहुत वंडरफुली काम करती है हमारे लिविंग स्पेस में और इंस्टेंट इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखते हैं। अगर आप, जैसे हमारे घर में रोज पोछा लगता है, सफाई होती है, आप किसी भी दिन जब अपने घर को बहुत अच्छे से धोते हैं पानी से तो उस दिन एनर्जी का फील अलग ही होता है। तो ऐसे ही, क्योंकि जो आयंस होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आयंस अच्छे नहीं होते, नेगेटिव आयंस अच्छे होते हैं। तो ब्रह्म स्थान की एनर्जी पे जो आयंस होते हैं ये टर्न हो जाते हैं नेगेटिव आयंस में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ की ऊर्जा जो है वो एक्टिवेट होती है और एक एनर्जी का फ्लो वहाँ पे क्रिएट होता है जो आपको एक पुश मारता है कि जो लाइफ में स्टेग्नेशन आ गई है या बीमारी आ गई है या बहुत सुस्ती आ गई है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, घर में सब डल डल से इधर उधर अपने अपने रूम में बस अपने लाइफ को निकाल रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि ब्रह्म स्थान की एनर्जी कहीं ना कहीं में उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो अगर आप उसको वॉश करते हैं अच्छे से 15 डेज में या महीने में एक बार, तो वहाँ की एनर्जी बहुत सकारात्मक रहेगी।
दूसरी चीज बहुत अच्छी है कि वहां पर आप नमक का पोचा, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का यूज अगर आप ब्रह्म स्थान को क्लीन करने में करते हैं तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और ब्रह्म स्थान कभी भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, वहां पे गंदी चीजें, कई बार मैंने कहीं कंसल्टेंसी में देखा है लोगों के ब्रह्म स्थान पर उनके वॉश बेसिन आ रहे होते हैं और आप मानेंगे नहीं इतनी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम उस घर में चल रही होती है। वॉमिटिंग होना मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि नाभि को वो कनेक्ट कर रहा है आपकी फिजिकल बॉडी से। तो उन लोगों का मैंने मतलब 3-4 केसेस ऐसे मेरे पास में आए हैं जिनको कुछ भी वो लोग इनटेक फूड का करते थे और बहुत सारी उनको वॉमिटिंग होना स्टार्ट होती थी और ये काफी लंबे समय तक रही और उन्होंने उसका बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन कुछ इतना उनको सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर जब ब्रह्म स्थान पे से जब उनका वो वॉश बेसिन, क्योंकि वॉश बेसिन में हम सारा गंदे पानी का यूज करते हैं, जब वो वहां से हटा क्लीन हुआ तो उनकी हेल्थ पे बहुत अच्छे इम्पैक्ट आए। तो ब्रह्म स्थान का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वहां पे टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, कोई हैवी आइटम नहीं होना चाहिए, कोई गंदी चीजें नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके वहां की एनर्जी क्लीन एंड वाइब्रेंट होनी चाहिए। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एक दिन उसको एकदम क्लीन करिए रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट से, या उसको वॉश कर दीजिए उस एरिया को, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी स्टेगनेंसी थी वो हटेगी और कुछ ना कुछ मूवमेंट बहुत फास्ट आएंगे। मतलब आप अगर सुस्त बैठे हुए थे तो आप जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ अपने काम में ऐसे लग जाएंगे जो आपको ग्रोथ और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देगा। घर के अंदर हैप्पीनेस आएगी और रिलेशनशिप आपके स्मूथ रहेंगे, कामनेस रहेगी घर के अंदर, इतने लड़ाई झगड़े और तनाव का जो माहौल होता है वो घर में बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक ब्रह्म स्थान की एनर्जी और ब्रह्म स्थान को ठीक करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। बस उसको बात है उसको ठीक करने की, अगर खराब है तो, और अगर ठीक है तो उसको और